दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे कंपेयर MI के 4C Pro 32 इंच वाली टीवी और MI की 4A Pro 32 इंच वाली टीवी। इस दोनों टीवी को कंपेयर करेंगे, बताएंगे आपको सारे फीचर्स और क्या क्या इसमें डिफरेंस है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि दोनों टीवी में सिमिलरिटीज कितनी है, मतलब कौन कौन से फीचर इसमें सेम है। तो इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, 2 USB पोर्ट मिलते हैं दोनों ही टीवी में। इसी के साथ साथ अगर मैं साउंड की बात करूं तो इसमें 20 वॉट का आपको स्पीकर मिल जाता है दोनों ही टीवी में। रिमोट भी लगभग सेम है, जिसमें आपको ब्लूटूथ रिमोट मिलता है और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी इसमें मिलता है, और एक वॉइस एनेबल रिमोट होगा दोनों ही टीवी में, और दोनों ही टीवी में आपको 3.5 mm का जैक भी मिलता है। और टीवी के वेट की बात करें तो वेट भी लगभग सिमिलर ही है, और इस टीवी में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर यूज हुआ है। इसी के साथ साथ 1 GB का रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज इस टीवी में आपको देखने मिल जाएगी। दोनों ही टीवी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है डिस्प्ले, जो मैं हमेशा कहता हूँ डिस्प्ले, इसमें अल्ट्रा ब्राइट LED डिस्प्ले यूज किया है। जो LED है वो डायरेक्ट LED इसमें यूज किया हुआ है। दोनों ही टीवी में आपको क्रोमकास्ट बिल्टिन मिलते हैं और उसमें यूट्यूब ऑफिशियली इंस्टॉल होता है, और आपको दोनों ही टीवी में एंड्रॉइड प्लस पैचवॉल दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं, और पैचवॉल के थ्रू आपको 7 लाख घंटे तक का कंटेंट इस टीवी में दोनों ही टीवी में देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं टीवी के बिल्ड क्वालिटी की, टीवी की बिल्ड क्वालिटी भी दोनों ही टीवी की लगभग सेम ही है, इसके बीजल्स वगैरह भी सेम ही है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो अब मैं बात करता हूँ कि इसमें इस टीवी में डिफरेंस क्या है 4C Pro और 4A Pro में। तो 4C Pro में आपको एक सिल्वर स्ट्रिप दिखने मिलेगी बॉटम साइड में, जो एक मेजर डिफरेंस होगा इस टीवी में। दोस्तों अगला डिफरेंस होगा कि MI 4C Pro लॉन्च हुई थी 2018 में और MI 4A Pro लॉन्च हुआ है 2019 28 फरवरी को, तो ये एक डिफरेंस है इसमें। इसी के साथ साथ अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो MI 4C Pro जब लॉन्च हुआ था तब उसकी प्राइस थी 15,000 के आसपास, हालांकि Amazon पे अब वो 13,000 में सेम प्राइस पे मिल रही है, जो कि प्राइस MI 4A Pro का भी है। तो दोनों ही टीवी की प्राइसिंग इस समय करंट डेट सेम है। और एक अगला डिफरेंस होगा कि MI 4C Pro आपको Amazon पे मिलेगी, आपको वो टीवी Flipkart पे नहीं मिलने वाली, हालांकि आपको 4A Pro आपको Flipkart पे ही मिलेगा, Amazon पे नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ एक और डिफरेंस होगा कि MI 4C Pro में आपको Amazon Prime आ सकता है एक अपडेट के थ्रू। MI 4A Pro में ऐसा कहीं भी कोई भी अपडेट नहीं आया हमें MI की तरफ से। सो दोस्तों यही थे कुछ डिफरेंसेस जो मैंने फाइंड आउट किए थे 4C Pro और 4A Pro के बारे में, और आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और आपको कौन सी टीवी लेना पसंद करेंगे या आप कौन सा प्लान कर रहे हो टीवी लेने का, मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारी हैप्पी गाइड फैमिली को, और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड, जहां पे मैं नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, सारे अपडेट्स इंस्टा पे आते रहते, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।